बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह पाक तेरा शुक्र करते हैं इस लम्हे वास्ते, इस वक्त वास्ते जिहड़ा सानूं मौका बख्शिया कि असी अज इस पार्क में आए हैं। उन्हां लोगों को जिहड़े रोज़ाना इन हत्थां नाल मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके बच्चों वास्ते रिज़क लैके जाते हैं। तो तारा जी, तुसीं देखिया होगा कि लाहौर दे विच असीं एक सीन देखिया कि जिहड़े सरमायादार लोग ने, जिन्हां नूं साबे सीए लोग ने, वो मैट्रो से जाते हैं, एम्पोरियम जाते हैं, किसी भी ग्रोसरी दुकान जाते हैं और दो दो ट्रालियां समान दिया भर के ले जाते हैं। बिल्कुल, हत्ता के स्टोर खाली होना शुरू हो गए। इस वक्त जिसले कोरोना वायरस जरा वा एक अजाब की शक्ल से पूरी दुनिया से आ गया वा और पाकिस्तान के भी आ, असी ये अफरा तफरी नहीं फैलानी। इस बीमारी का इलाज कोई नहीं गा, इस बीमारी का इलाज कोई नहीं गा, लेकिन एहतियात के नाल असी इस बीमारी नाल लड़ सकते हैं। तो अज इन भरावों इस करके असी जहमत दी आ कि असी मंजर वेखते हैं कि रोज़ जिसले ये रुजगार वास्ते आते हैं, ये कट्ठे होकर खिलाते हैं और कट्ठे होकर खिलाना असं बीमारी फैलाने वाली गल वा। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि असं इन्हों एक दसना चाहते हैं कि कोरोना वायरस तो किवें बचा जा सकता वा। सब तो पहले गल आ, तुसीं देख रहे हो कि जिन्हें कहते निछ लैनी, निछ लैके या बंदा खांस खांसी लैंदा वा, वो तुहाडे कोल खड़ोता वा, इहदा मतलब तुसीं दावा दे दिंदे हो कि तुहानूं भी बीमारी लग जाए और यह वायरस नज़र नहीं आता। इस तो बचो, बकायदगी में हाथ धोने की आदत बनाओ। मतलब कि तुम जिस घर जाते हो सब तो पहले साबण हाथ धोवो। अगर तुम हाथ धोवोगे तो बीवी हाथ धोएगी, तो बच्चे हाथ धोएंगे, महफूज रहेंगे। इस बीमारी को आम ना समझा जाए, बहुत खतरनाक काम हो चुका वा, उस तो बचना वा। असी अगे आ कि हाथ मिलाए बगैर सलाम करें, बेशक साढ़े मजहब जाके असी सलाम अलैकुम लईए तो नाल हाथ ही मिलाइए, लेकिन इस दौर के 20-25 दिन बड़े खतरनाक ने। तो अल्लाह पाक साडा नाराज नहीं इस गल तो होंगे अगर असी एहतियात की तदाबीर करा। किसी ने सलाम लेंदे हो उन्होंने भाई जी सलाम लैको, उसके हाथ ना मिलाओ। क्यों? कि अगर हाथ मिलाओगे वो तुहाडी दोवां दी जिंदगी खतरे में आ। उस तों बाद आ गया कि अगर तुम निछ आउंदी आ तो यह मत वेखो कि जहालत दा मज़ारा नहीं करना, अपनी कोहनी ऐसा अगे कर लो या हाथ अगे कर लो ताकि तुहाडी निछ नाल कोई होर बंदा बीमार ना हो। अपने मुँह आँखों नाक को छूने से ग्रेज करें। अगर फर्ज़ करो तुम काम में आए हो तो अपने नक् चुंगली मार दो, कन्न चुंगली मार दो, या अखा ऐसा कर दो, या ऐसी गल, क्योंकि ये वायरस जोड़ा वा ये जरिए ना नक् के जरिए, अख के जरिए, तो मुँह के जरिए अंदर दाखिल होता वा और पता नहीं लगता। लिहाजा इन गलों पर जरा अमल करना मेरा वीर, थोड़े अगर रिक्वेस्ट करते हैं तुम मुख्तलिफ पिंड तो तलक रखते हो। ये लोग कह के मजदूर पेशा जोड़े आ उन्होंने अकली कोई नहीं, नहीं बराबर के इंसान है साढ़े भरा ने, असं इन्होंने बचा वा। जो ये पिंड जाके अपने घर बचाओगे तो लोगों में असी दफा कर सकेंगे। तो इस कोरोना वायरस जोड़ा वा ये आने नाल मुख्तलिफ शहरों में अदारे बंद हो रहे हैं, मुख्तलिफ शहर अदारे बंद हो रहे हैं, बैंक बंद हो रहे हैं, मार्केटा बंद हो रही, हर जगह जिते इजमा हो बंद किया जा रहा। इस 15-20 दिन के साढ़े दिन से गल आई आ कि वो लोग जो मजदूर ने जो रोज़ मेहनत करके रोटी कमा के जाते हैं, अगर खुदा ना करे ऐसी सूरत पैदा होती है कि वो लोग की करेंगे? एक तो कोरोना वायरस का खौफ, दूसरा भुख का खौफ, वो तो छेती मर जाएगा। नहीं, असी अपने लोगों को बचाने की कोशिश करनी है। अज असी अपने शहर निकले हैं, इंशाअल्लाह हर रोज़ निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के लोग देखेंगे वो अपने अपने शहर निकलेंगे, उन्होंने लोगों को खरायत नहीं उनका हक देंगे, क्योंकि ये साढ़े भरा ने। तो ये मेरा वीर एडा राशन आ कि तुहाडे वास्ते अल्लाह पाक ने भेजिया, ये ना मेरे वालों आ ना तारा वालों आ, जो ओवरसीज लोग ने उन्होंने मेहनत शामिल आ, उनके एहतियात शामिल ने, लेकिन सब कुछ मेरा रब करता पाया वा, साडा कोई कमाल नहीं। की तारा जी, राह इंसानियत प्रोग्राम के तहत सब तो पहले असी मजदूर अहमियत दी है, जड़ा रोज़ ही बेस से वह घरों निकलता वा और मजदूरी करता वा, मजदूरी करके रात को अपने घर लेके जाता वा। जिसले तुहानू मजदूरी नहीं मिलेगी परेशानी तो बन गई ना तुहाडे वास्ते, इस वास्ते असी पहली फुरसत मजदूर असी अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। मजदूर वास्ते असी अगे भी काम करते रहेंगे, अज असी पहला प्रोग्राम मजदूर वास्ते किया वा, इंशाल्लाह साडा ये काम जिन्नी देर तक बीमारी आ असी मजदूर वास्ते सोचते रहेंगे, हर रोज़ निकलेंगे। दूसरी गल है कि अपने घर सफाई रखो, बच्चों को पाबंद करो बार बार हाथ धोने की, तुसी आप पाबंद हो जाओ, तुसी खुद को भी बचाना वा तो तुसी दूसरों को भी बचाना वा। असी बीमारी ना सब ने मिलकर लड़ना वा, क्या साथ देंदे जे तुसी? हाँ जी बिल्कुल, भरपूर तरीके ना साथ देना वा।
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਿਸ਼ਾ ਤਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਸਤਿਆਬ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਤਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੂੰ ਤਮਾਮ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਤਮਾਮ ਮਖਲੂਕ ਤੇਰੀ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਣਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਲਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਆਓ ਵੀ ਆਓ ਆਓ ਆਓ। ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਤ ਆ ਨਾ ਇਹ ਭੀਕ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਡਾਲ ਦੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਜੜ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਸਭ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਸ।